कितना गाना बजा ऊपर से आप लोग का मस्त। हैप्पी बसंत पंचमी गाइस। तो आज है हैप्पी बसंत, आज है सरस्वती पूजा एंड 26 जनवरी रिपब्लिक डे। आपने देखा होगा, रील्स वगैरह नहीं देखा है तो चेकआउट कर लो मेरा इंस्टाग्राम पेज एंड फेसबुक। और अभी आप सोच रहे होंगे मैं कहाँ जा रही हूँ, तो अभी मैं मार्केट में हूँ। आप पीछे पैक में देख सकते हो बहुत ज़्यादा भीड़ है। और गोमजी आज फ्री है, आज हमारा शॉप क्लोज था तो मैंने सोचा चलो बाजार का काम ख़त्म कर लेते गाइस, क्योंकि भाई का शादी का दिन बहुत ही करीब आ चुका है। तो हमने जो भी शॉपिंग करी थी वो सब रिसीव करने जाना है। एंड तो चलिए आप लोग भी ब्लॉग में बने रहिएगा, ब्लॉग को एंजॉय करिएगा। एंड कहाँ कहाँ जाते हैं मैं कोशिश करूँगी आपको दिखाने का एंड क्या क्या लिया है। तो चलिए चलते हैं। अभी हम लोग हैं मोमो गली में, हांगकांग मार्केट में। मुझे एक्चुअली एक फैब्रिक चाहिए अपने सरारा के लिए, जो कि मुझे पहनना है मेहंदी फंक्शन में। तो टाइम बहुत कम है, मैं उतना देर से सोच ही रही थी मैं क्या करूँगी। ऑनलाइन से मैंने दो दो बार मंगवाया पर दोनों बार कलर डिफर आया था। यहाँ पे रोक दीजिए। तो अभी हम लोग एक दुकान पे आए हैं, यहाँ पे देखते हैं फैब्रिक है कि नहीं। देखिए वो पहले सोचा था मैं रेड कलर का लूंगी, बट क्या होगा वो रीयूज नहीं हो पाएगा, तो गोल्डन फैब्रिक लेते हैं तो दोनों में मैच हो जाएगा। एंड एक काम, एक तीर से दो निशाना। ये क्या कपड़ा है? ये बोकेट कपड़ा है। तो इसका सरारा बनेगा? फैंसी बनेगा, फुला फुला नहीं लग रहा ये कपड़ा, वो स्मूथ में चाहिए तो भी गोल्डन मैच कर जाएगा मुझे। और ये गोल्डन बहुत वर्सटाइल है, और भी मैं यूज़ कर पाऊँगी क्योंकि दो सरारा का बजट ही मेरा फैब्रिक। तो ये हो गया है डन, थैंक यू, गिर लीजिए पैसा। तो मैंने सरारा के लिए फैब्रिक ले लिया है, जैसे कि मैंने कहा दो कुर्ती के लिए एक ही सरारा लिया क्योंकि वो बार बार यूज़ हो जाएगा। और अब मैं जा रही हूँ बाजला एम्पोरियम, है कि कलेक्शन है पता नहीं। वहाँ से हमने बनारसी साड़ी लिया हुआ था बहू रानी के लिए, तो वो रिसीव करूँगी। एंड फिर उसका ब्लाउज स्टिच करवाना है, क्योंकि वो ब्लाउज स्टिच रहेगा तो पहनना इजी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं टेलर साहब आज खुला होंगे कि नहीं। मैंने इसे फ़ोन किया था तो वो बोले थे कि आज ओपन होगा। एंड मेरा गाइस मेहंदी वाला फंक्शन, हल्दी वाला फंक्शन के जो कपड़ा बनना था उन्हीं के पास है, तो फुली बन गया होगा। और सरस्वती पूजा के दिन में है, सब कोई येलो येलो साड़ी में दिख रहा है मुझे। मैंने बस रैंडम सा कोई कपड़ा पहन लिया है बिकॉज बैंक भी जाना है। डिंपल बोल रही थी बैंक आने के लिए, तो अभी पता क्यों, लेकिन अभी पता नहीं जा पाऊँगी कि नहीं, बिकॉज हन्नू स्कूल से 2 बजे आ जाएगा। फिर ड्रेसी को लेके जाना है मुझे मार्केट, उसका भी कुछ कुछ सामान खरीदवाना है। तो छुट्टी का दिन मिलता है तो सोचती हूँ बहुत सारा काम कर लो, बिकॉज स्कूल एंड ट्यूशन मिस करा के कोई काम नहीं होगा। तो संस्कृति आ गया, संस्कृति में भी हमारा लहंगा है, बट देखते हैं पहले बाजला चलते हैं। यहाँ से हमने ली है साड़ी, और चलिए दिखाते कौन सा कलर का साड़ी लिया है मैंने। मुझे तो प्यारा लगा, मम्मी को भी बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो ये बिल चला गया है मम्मी के साथ, एंड अभी मेरे पास जो है दूसरा बिल है, अभी देखते हैं मिलता है कितनी साड़ी। हाँ ये वाला, ये दिल ले जाइए, इसी भी ले लीजिए। तो अभी ये साड़ी भी रिसीव हो गया, आप चलते हैं डायरेक्ट टेलर के पास। एंड गोमजी बाबू वहाँ पे वेट कर रहे हैं। हमको भी बहुत मन था साड़ी पहनने का गाइस बनारसी, तो लिया हुआ है। अभी देखते हैं कौन से फंक्शन में मैं पहनूंगी। तो अब चल रहेगा इस समायरा। समायरा में हल्दी के लिए जो शगुन के लिए जो साड़ी जाएगा वही साड़ी रिसीव करना है। मैं कब से यहाँ छोड़ के भूल गई हूँ, याद ही नहीं था मुझे। बाद में ध्यान आया कि हाँ एक साड़ी कम पड़ रहा है, तो अभी वो एक साड़ी रिसीव करना है मुझे, क्योंकि ख़रीदने के बाद फॉल पिको के लिए मैंने छोड़ दिया था। तो चलिए रिसीव कर लेते हैं वो साड़ी भी। हाँ बहुत ही प्यारा कलर। तीन ठो लिया है, लीजिए भैया।
बच्चों के लिए हो गया केक। तो अब जाएंगे सीधा घर, हनु आ गया होगा। ट्राई कलर, देखो यहाँ पे थ्री कलर, ये कौन खाएगा? तो अभी मार्केट वगैरह का, तो अभी मार्केट का काम सब खत्म करके, अभी हम तुम्हारा फेस ही नहीं ले रहा इसीलिए, तो अभी मार्केट का काम खत्म करके अभी जा रहे डिंपल का बैंक, सरस्वती पूजा सेलिब्रेशन है वहाँ पे। तो आज का थीम है ब्लैक, सॉरी वाइट एंड रेड। मुझे साड़ी पहनना था, मैंने साड़ी रेडी किया था गाइस, बट ब्लाउज इतना लूज था, इतना लूज था कि पहना नहीं गया। तो अभी मैंने एक वाइट सूट ले लिया है, मतलब वाइट सूट पहन लिया है। तो अभी चलते हैं, लेट तो काफ़ी हो गया है, होप जल्दी पहुंच जाएं और गरम गरम खिचड़ी खाएं और आप लोग को भी खिलाएं ब्लॉग के थ्रू। तो चलिए बने रहेगा ब्लॉग में, ब्लॉग अच्छी लगे गाइस तो डू लाइक कमेंट एंड शेयर। एंड ये झुमका देख सकते हैं, 2 साल पुराना है, मुझे बहुत पसंद है, नहीं लिटरली ये तो 2 साल पुराना ही है, मैंने ऑनलाइन मंगवाया था। 2 साल पुराना। और ग्रेसी भी रेडी है, ग्रेसी का आज बूट शूज़ भी दिलवाना है। तो ये सब काम खत्म करके मार्केट जाएंगे गाइस, सब नहीं बोला। तो पैसा भी नहीं लिया हुआ है, पर्स भी नहीं लिया हुआ है, बस रिक्शा भाड़ा मेरे पास है। और इसने देखे क्या किया है, ऐसा ना स्टिकर भी मिलता है, मैं दिला दूंगी, स्टिकर नहीं लगाना है। तो चलिए गाइस आज सब कुछ कलरफुल बने हुए। ये हेयर टियरा है एंड मैंने इसको ब्रासलेट के जैसे यूज़ किया है, क्योंकि मुझे ब्रासलेट पहनना था पर सिल्वर कलर है, मेरे पास मिल नहीं रहा था, तो मैंने इसी को मोड़ लिया है। बुद्धि बुद्धि बहुत ज़्यादा है गाइस, कोई रिक्शा नहीं मिल रहा है दूर दूर तक, अभी लेट भी हो गया, अभी क्या करें नहीं समझ आ रहा है। तो आज दो दो, तो आज दो दो फंक्शन है, दो दो क्या बोलते हैं उसको, इवेंट, हाइलाइटर भी लगाई है। तो आज दो दो, आज रिपब्लिक डे के साथ साथ सरस्वती पूजा भी है, तो बाहर नहीं, पहली बार रिक्शा में दोनों का हाइट बराबर ही है, ऑलमोस्ट बराबर ही है। तो गाइस बहुत थक गए, बहुत ज़्यादा थक गए, अभी यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा कहीं। अभी ग्रेसी बोल रही है दादी के घर जाने के लिए, तो देखते हैं टाइम मिलता है कि जाए। हाँ बट हम अकेले क्या क्या करें फिर, बट हम अकेले क्या क्या करें, मार्केटिंग करना, अभी शादी का मामा का कुछ ही दिन बचा, ओनली 15 डेज, कैन यू इमेजिन, ओनली 15 डेज, अभी कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है गाइस। टेलर ने अभी तक सिल के नहीं दिया कि जब मैंने 15 दिन पहले ड्रेस सब दे दिया था बनने के लिए, अभी तक बन के नहीं आया है। तो चलिए देखते हैं, बन ही जाएगा, अभी तो है 4-5 दिन हमारे पास, 30 तक तो मुझे सब कुछ रेडी चाहिए। आज आप भी आ जाएंगे मेरा ब्लॉग में, आप पहले भी थे शायद, आप देखिएगा एक ब्लॉग में आप भी हैं, शादी वाला में एक में है। मूर्ति ढूंढ रहे थे, मूर्ति कहाँ है? ये मैडम पहनी है पूरा 9 गज का साड़ी,
रील्स बनाने पड़ेगा रील्स। तुम तो फिर नहीं बनाता है ना, कुछ नहीं करता है, इसलिए तुमको वो लग रहा है। मम्मी आ रही है ना। प्रिटी लग रही है, खींचती है, खींचती है। नहीं, आप फोटो भी क्लिक कर रहे हैं, बहुत प्यारा फोटो आया है। और आप लोग कब से बैठे हैं, आप लोग का खाना खाने खत्म करके बैठे हैं। वो लुक चेंज की है। दो बार आ जाएंगे, वो आ ही जाएंगे। मारेगी, डर लगता है डिंपल से बहुत। आ गया है गरम गरम खिचड़ी, हमको भी थोड़ा सा ही दीजिएगा। खाना खा के आया है, थोड़ा सा लो, टेस्ट करो। हाँ बस बस, लगेगा तो और ले लेंगे। ये खा लेना बैगन भाजा। क्या ना दीछे ने तो वैसे वैसे दे दीजिए, और दे दीजिए। दीदी के साथ बैठेंगे, तुम बैठो, तुम उधर बैठेगा। यहाँ भी चेयर है, लगा दिया एग्जाम को। खिचड़ी ले जाने का साधन होता पता, तब टिफिन लेके आते, ले जाते खिचड़ी। पर ले जा सकते हैं पेपर है मोड़ के, बहुत ऑयल होगा ना, तो होगा, पूछना पड़ेगा। थोड़ा सा नहीं है सब्जी, किसी को वेस्ट हो जाएगा ना, बर्बाद ना होगा। ग्रेसी वाला सब्जी हम लेने वाले, कितना मस्त लग रहा है। ले ले, बेचारी को डबल तिरबल दे दिया है, ये आधा खाएगी आधा वेस्ट करेगी। कितना गाना बजा ऊपर से आप लोग का मस्त। कोई कुछ नहीं छोड़ेगा, कोई वेस्ट नहीं करेगा, सब कोई खाएगा। इसलिए तो हमने लिया, तो बहुत बुद्धिमानी वाला काम किया है। पाइस बहुत अच्छा था, सबको यह लगा था। गुड़ेर पाइस को फालो, किसका? तो जो अभी हमने खाया वो बन रहा है यहाँ पे, गर्मा गर्म बैंगन। बैंगन तो नहीं है, कुमड़ा भाजा है। तो ये कुमड़ा भाजा हो रहा है जो कि हमने खा लिया। खिचड़ी कहाँ है? ओके, हाँ ले लिए, पर कुमड़ा भाजा हो रहा है। हाँ तो अभी डिंपल की सासू माँ भी आ गई है, किसने पूछने कहा। कब से वेट कर रहे थे आपका? ये मैं सबसे दुख का बात क्या है, हम लोग जा ही रहे हैं। दूसरा है कि हम लोग पिक्चर एक भी नहीं दिया, एक 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 दो पिक्चर।
रहा होगा बस गाइस, बट कोई नहीं, आप लोग समझ लो, इन मैडम का लुक देख लो, गजब लग रही है। अब जा रहे घर, टाटा बाय बाय। बोले दुख का बात है कि ज़्यादा पिक्चर्स नहीं ले पाए हम लोग, बट कोई नहीं, लेंगे 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 बोली। तो गाइस बहुत ही अच्छा टाइम गुजरा सबके साथ, एंड होप आप लोग ने भी ब्लॉग को एंजॉय किया होगा। ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो ब्लॉग को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। वीडियो में नए हो तो गाइस डू सब्सक्राइब माय चैनल, एंड ऐसे प्यारे प्यारे ब्लॉग्स आप लोगों के लिए आते रहेंगे। एंड जल्दी ही एक स्पेशल ब्लॉग मैं भी डालने वाली हूँ, होपफुली वो कल तक आ जाएगा। तो चलिए गाइस, टाटा बाय बाय, लव यू। एंड नीलू को देखिए, नीलू बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी येलो साड़ी में, एंड इनका पोज देखिए। तो हमने कुछ एक ही पिक्चर्स खिंचवाया, कुछ एक पिक्चर्स डिम्पल के फ़ोन पे है, तो देखते हैं उससे मिलते हैं तो लिया जाएगा। अभी तो वो बिज़ी होंगी, एंड देखते हैं, शायद हम लोग का पिकनिक का भी प्लान होने वाला है, बट नॉट श्योर बिकॉज मुझे भी नेपाल जाना है। और गाइस 4 दिन बचे हैं बस, बस मतलब ये मंथ ख़त्म होने में, तो बहुत ज़्यादा वेट कर रही हूँ भाई की शादी का, क्योंकि बहुत सारी मस्ती करनी है। एंड आप सभी को भी इंजॉय करना है ब्लॉग को, तो ब्लॉग में प्यार बनाए रखना। बाय बाय, सी यू अगेन।